यहाँ के लोगों का जीवन आज भी बदलाव के इंतजार में है ताकि उनकी तकलीफें कम हो, परेशानियों से छुटकारा मिल सके। ये पुल यहाँ के लोगों का सहारा है और उस सिस्टम पर एक सवाल भी जो दावा करता है कि सरकारी योजनाएं आम लोगों तक पहुंच रही हैं। पूर्णिया जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। हाल ये है कि आने जाने के लिए खुद से बनाए हुए चचरी पुल का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा नाव ही एकमात्र विकल्प है। परेशानियां भी बहुत होती है, जब बाढ़ आती है तो यहाँ इधर उधर जाने का कोई ये भी नहीं है। यहाँ पे बहुत बार नाव डूब चुके हैं। पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत होता है। अगर किसी को स्कूल जाना है तो 2 घंटा लेट हो जाती है, अगर किसी को कॉलेज जाना है तो उसको 4 घंटा लेट हो जाती है, समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्लास भी नहीं होती। आलम यह है कि जिले के कई विद्यालयों को अपना भवन तक नसीब नहीं। जिस स्कूल के पास अपनी बिल्डिंग है उसकी हालत भी जर्जर है, रख रखाव के कारण बदहाल स्थिति बनी हुई है। और स्वास्थ्य विभाग में जाइए तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो पेशेंट परेशान है, इमरजेंसी पेशेंट को लिया नहीं जाता है, रेफ़र कर दिया जाता है दूसरे जगह, ताकि पेशेंट मतलब जीने के जगह मरने के लिए जाता है वहाँ पे डॉक्टर नहीं रहने के कारण। और शिक्षा विभाग में देखा जाए तो स्कूल तो है लेकिन उसमें टीचर नहीं है, बच्चे बस आते हैं, खेलते हैं, चले जाते हैं, पढ़ाने के लिए कोई है ही नहीं वहाँ। ये तो हुई पढ़ाई लिखाई की बात, अब ज़रा शहर के बस स्टैंड के हालात का भी जायजा ले लेते हैं। आलम यह है कि बरसात की बात तो छोड़ दीजिए, बिन बारिश भी यहाँ लोगों को बरसात के दिनों की परेशानी झेलनी पड़ती है। बस स्टैंड में यूँ पानी चारों तरफ लग जाता, पानी का निकासी भी नहीं है, हर जगह की बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, जहाँ भी हो, मगर ना यहाँ व्यवस्था पानी ना निकासी का ना बिजली वगैरह भी होता, ये भी बिजली चलता है कभी नहीं चलता। इस इलाके के लोग आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ कायाकल्प होगा, इनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा और एक दिन यहाँ भी खुशियों का बसेरा होगा। लेकिन सवाल ये है कि वो दिन आएगा कब। मनोज कुमार, जी मीडिया, पूर्णिया। ये तो आपने पूर्णिया के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर देखी, जहां के लोगों की हालत देखी कि वो किन हालात में जी रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कटिहार के गांव की तस्वीर। जी हां, यहां के लोगों का जीवन आज भी बदलाव के इंतजार में है ताकि उनकी तकलीफें कम हो सके, दूर हो सके। सड़क के गड्ढे में धंसे इस ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश में लोग जुटे हैं, लेकिन ट्रैक्टर को निकाल पाना इतना आसान भी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि कटिहार जिले के इस गांव के लोग अब ऐसी जिंदगी जीने के आदि हो चुके हैं, इनके लिए रोजमर्रा की बात हो गई है। रास्तों का इतना बुरा हाल लोगों को परेशान जरूर करता है, मगर उनके सामने इन पगडंडियों पर चलने के सिवाय दूसरा रास्ता भी नहीं। गर्मी के दिनों में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो फिर ये पगडंडियाँ भी साथ छोड़ जाती हैं। स्कूल जाना तो दूर, गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो फिर उसे सिवाय खाट पर ले जाने की कोई चारा नहीं रह जाता। बीमारियाँ होती है लोगों में अमूमन कुपोषण की वजह से या फिर साफ़ सुथरा नहीं रहने की वजह से। वो तमाम लोगों को इलाज करने के लिए यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर जाना पड़ता है। आकस्मिक कोई मामला हो जाए तो ऐसी स्थिति में चारपाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जो चारपाई में धोके हॉस्पिटल ले जाते हैं। बीच रास्ते में जो हो जाए उस पेशेंट का, बचे या फिर वो मर जाए। वैसे कहने के लिए इस गांव में अस्पताल भी है और डॉक्टर भी, लेकिन ज़रूरत के वक्त सब साथ छोड़ जाते हैं। गाहे बगाहे जब मुसीबत में अस्पताल का रुख करना पड़ता है तो फिर सहारा मिलने के बजाय बेरुखी से रुखसत कर दिया जाता है। इस जगह इतना बीमार पड़ता है, हम लोग अगर जाते हैं 10 बजे रात में, 11 बजे रात में ठकठकाते हैं अस्पताल तो बोलता है नहीं है डॉक्टर, जाइए, कोई चीज़ का यहाँ नहीं है, दवा दारू नहीं है, जाइए, नहीं दवाई मिलता है, नहीं और कुछ मिलता है। और गर्भवती महिला अगर जाती है तो वहाँ से लौटा देते हैं, रेफर कर देते हैं, जाओ कटिहार, यहाँ नहीं होगा। परेशानी एक हो तो दर्द बयां करें, लेकिन यहाँ तो हर तरफ आलम यह है कि मजबूरी में रह रहे हैं। गांव में बिजली के खंभे तो गड़े हैं लेकिन बिजली के तार अभी तक पहुँचे नहीं। बिजली के तारों के इंतज़ार में ये खंभे भी
खड़े होकर सरकारी व्यवस्था को मुंह चढ़ाते नजर आते हैं। हम लोग को नई लाइन है, नई आरू बिजली है, नई रोड है, नई सड़क है, नई और कुछ है। हम लोग को कितना कुर्सेला बस्ती में कितना घटिया अति हो रहा है, कहीं नई नाला है, नई रोड है, हम लोग बहुत मजबूरन है। यूं तो सियासत के दावे यहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन विकास के कदम यहां तक आते आते लड़खड़ाने लगते हैं। अब ये गांव वाले करे तो क्या करें? सवाल अपनी माटी का है, अपनी धरती का है, छोड़ भी नहीं सकते और ढंग की जिंदगी जी भी नहीं सकते। अब इसका फैसला कौन करेगा कि इनकी बदहाली का जिम्मेदार कौन है? राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। अगली खबर देवघर से। बाबा नगरी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मां की ममता को ठेस पहुंचाया। हालांकि सभी समाज में एक मां ने ठुकराया तो नवजात के लिए कई हाथ आगे आ गए। अपनों ने साथ छोड़ दिया, मां ने हाथ खींच लिया, लेकिन पराए गोद में अपनापन भी मिला और मां का छांव भी। गोद में खेल रही इस नवजात बच्ची की कहानी यही है। चारों ओर माता का जय जयकार है, लेकिन शक्ति के इस अंश का कद्र खुद उसकी मां ने ही नहीं किया और इसे अनाथ आश्रम में फेंक कर गायब हो गई। करीब 12:00 के बीच में बच्चा रोने का आवाज आया तो बाबूजी निकले थे बाथरूम जाने के लिए, बोले अरे बाहर में बच्चा रो रहा है, तो फिर गेट खोल के हम लोग देखे थे, एक छोटी बच्ची छोड़ के कोई चला गया। अनाथ आश्रम के लोग भी इस बच्ची के यहाँ आने से काफी खुश हैं। 8 बच्चियाँ तो पहले से यहाँ थीं, अब एक और बच्ची के आने से दुर्गा माँ के 9 रूप का यहाँ वास हो गया है। बड़ी खुशी हुई कि माँ देवी आज स्वयं पधार गई है मेरे आश्रम में, मेरे घर में। बड़ी खुशी है हम लोगों में आज कि लक्ष्मी देवी आज जो है सो आई है घर। 3 दिनों की ये बच्ची अब अपने नए आशियाने में चहक रही है। यशोदा रूपी माँ के आंचल का स्नेह पाकर अपने जिंदगी के मुकम्मल जहां की ओर निहार रही है। दीप नारायण दुबे, जी मीडिया, देवघर।